हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोर क्रिएटिव। दोस्तों, आज दिनांक 24 दिन सोमवार है, वही हिंदी महीना कार्तिक और कृष्ण पक्ष की 14वीं है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इसी प्रकार की खबरों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि अगला वीडियो आपको शीघ्रता से मिले। दोस्तों, आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, आज लक्ष्मी पूजन है। लक्ष्मी पूजन और दीपावली की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, दीपावली के शुभ अवसर पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना काल में अनाथ हुए बच्चों के साथ मनाई दीपावली। दोस्तों, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने रविवार को मुख्यमंत्री आवास में कोरोना के चलते अपने माता पिता को खो चुके बच्चों व अन्य अनाथ बच्चों के साथ दीपावली मनाई। उन्होंने बच्चों के ऊपर पुष्प वर्षा की, दीप जलाए और बच्चों के साथ नाच गाना भी किया। वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अपने हाथों से बच्चों को भोजन कराया और उनका हालचाल जाना। दोस्तों, आप सभी को मालूम होना चाहिए कि मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना में हर महीने इन अनाथ बच्चों को 5,000 रुपये की सहायता और स्पॉन्सरशिप के तहत बच्चों को हर महीने 4,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जा रही है, जो कि बहुत अच्छी बात है। दोस्तों, उज्जैन के श्री महाकाल लोक का अब नाम बदल दिया गया है। अब महाकाल लोक का नाम श्री महाकाल महालोक हो गया है। दोस्तों, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आशीष इसने हमेशा मध्य प्रदेश के साथ रहा है। जब ये उज्जैन आए थे तो उन्होंने इस भव्य दिव्य अलौकिक स्थान को देखकर विचार व्यक्त किया था और कहा था कि महाकाल महाकाल लोक बहुत अद्भुत है। उनकी भावनाओं के अनुरूप अब नवनिर्मित परिसर श्री महाकाल महाकाल लोक ही कहलाएगा। तो इस प्रकार से अब उज्जैन का महाकाल लोक श्री महाकाल महाकाल लोक के नाम से जाना जाएगा। दोस्तों, चुनाव जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस बड़ी बड़ी योजनाएं बना रही हैं। अब दोनों ही पार्टियां मोबाइल के जरिए युवा मतदाताओं के दिलो दिमाग तक पहुंचने का रास्ता बना रही हैं। दोस्तों, विधानसभा चुनाव में अभी 1 साल बाकी है, ऐसे में भाजपा एवं कांग्रेस ज़्यादा से ज़्यादा मतदाताओं को रिझाने के रास्ते तलाश रही है। कोशिश यह है कि इंटरनेट मीडिया का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग कर युवा मतदाताओं तक पहुँचा जाए ताकि चुनाव से पहले उनके दिलो दिमाग में पार्टी की छवि बनाई जाए या बेहतर की जाए। वहीं कमलनाथ जी ने कार्यकर्ताओं से इंटरनेट मीडिया को प्रचार का सशक्त माध्यम बनाने को भी कहा है। वहीं भाजपा ने भी संगठन ऐप के माध्यम से मतदाताओं का डाटा इकट्ठा कर लिया है। भारतीय जनता पार्टी इन मतदाताओं से लगातार मैसेज भेजकर संपर्क बनाएगी। तो इस प्रकार से दोनों ही पार्टियां इंटरनेट मीडिया का उपयोग कर रही हैं ताकि चुनाव में जीत हो सके। दोस्तों, आयुष्मान कार्ड बनवाने में पटवारी कर रहे हैं जब अपनी ड्यूटी का विरोध। पटवारी नहीं बनाएंगे अब आयुष्मान कार्ड। दोस्तों, जब से आयुष्मान कार्ड योजना लागू हुई है तब से पटवारी इसे टारगेट में लेकर काम करते हैं, कभी नोडल ऑफिसर बनकर तो कभी VLE बनकर। हमेशा गांव-गांव जाकर शासन की मंशा के अनुसार सभी अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाते हैं, लेकिन अब वे इस काम को करने से मना कर रहे हैं क्योंकि उनके राजस्व के काम शिविर में किसी भी प्रकार का सहयोग दूसरे विभाग से नहीं मिल पाता, अर्थात उनके कामों में देरी होती है। इसलिए पटवारियों ने विरोध जताया है कि वे अब आयुष्मान कार्ड योजना में शामिल नहीं होंगे। दोस्तों, जिले के 22 गांवों में नहीं मनाई जाएगी दीपावली। न तो घरों में दीपक जलेंगे और न ही लक्ष्मी पूजन होगा। यह फैसला लंपी वायरस के प्रकोप को लेकर लिया गया है। दोस्तों, लंपी वायरस की मार झेल रहे बैतूल जिले के करीब 22 गांवों के लोगों ने इस बार यह फैसला लिया है कि उनके गांव में न तो दीप जलेंगे और न ही लक्ष्मी पूजन होगा। दोस्तों, यह फैसला बैतूल जिले के भीमपुर खंड के गांव में लिया गया है। दोस्तों, दरअसल लंपी वायरस के चलते स्थानीय गांव में आए दिन मवेशियों की मौत हो गई है। इस बात से नाराज ग्रामीणों ने पंडितों की सलाह पर दीपावली नहीं मनाने का फैसला लिया है। दोस्तों, प्रदेश में मोबाइल चोरी को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। मध्य प्रदेश में चोरी हुई मोबाइलों की विदेशों में बड़ी डिमांड है। दोस्तों, सागर जिले की बीना पुलिस ने मध्य प्रदेश में चोरी हुई मोबाइलों की विदेश में तस्करी करते हुए पश्चिम बंगाल के एक युवक को गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से चोरी किए हुए 44 मोबाइल जब्त किए गए, जिनकी कीमत करीब 8 लाख रुपये बताई गई है। आरोपी से पुलिस ने पूछताछ की तो कई चौंकाने वाले मामले सामने आए हैं। दोस्तों, खुलासे में पता चला कि देश की बॉर्डर से लगे नेपाल बांग्लादेश में ये लोग मोबाइल बेचते थे और प्रदेशवासियों की आमजन की जानकारी साझा करते थे। हालांकि आरोपी अब पुलिस की गिरफ्त में, लेकिन फिर भी सावधान रहने की जरूरत है। दोस्तों, प्रदेश में महिला किसानों के साथ ठगी का मामला सामने आया है। पपीते की खेती के बहाने महिला किसानों से लाखों की ठगी की गई है।
दोस्तों छिंदवाड़ा जिले के ढालडाना सावरपानी की लगभग 20 महिला किसानों को झांसा देकर तीन आरोपियों ने ठगी की है। ठगों ने पपीते की खेती लगाने के एवज में 1,20,000 रुपये नकद और कृषि उपकरण निःशुल्क देने का लालच देकर अपनी बातों में फंसाया था। योजना में पंजीयन के नाम पर हर महिला से 8,000 रुपये लेकर ठग फरार हो गया। अब सभी महिलाओं से लगभग 1,65,000 रुपये नकद लेकर ठग फरार हो गया है। वैसे पुलिस ने आरोपी के खिलाफ ठगी का मामला दर्ज कर लिया है और अभी जांच जारी है, इसलिए थोड़ी सावधानी रखिएगा, किसी भी ऐरे गहरे के झांसे में न आए। दोस्तों वैसे तो दीपावली पर फटाखे फोड़ना एक दस्तूर है, लेकिन ग्वालियर शहर में फटाखे जलाने पर लग गया है प्रतिबंध। गांव में केवल 2 घंटे चला सकते हैं ग्रीन फटाखे। दोस्तों जिला प्रशासन ने दीपावली के मौके पर नगर निगम सीमा में आतिशबाजी चलाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। शहर में लोग दीपावली के मौके पर आतिशबाजी अब नहीं कर सकेंगे, जबकि नगर निगम सीमा के बाहर अर्थात ग्रामीण क्षेत्र में रात 8 बजे से 10 बजे के बीच ही ग्रीन फटाखे जला सकते हैं। दोस्तों यह फैसला प्रदूषण को कम करने के लिए लिया गया है, इसलिए आप भी यदि फटाखे जलाएं तो थोड़ा सावधानी से कम जलाएं, क्योंकि इससे प्रदूषण ज़्यादा होता है। दोस्तों मुरैना जिले से खबर है। मुरैना जिले में खुलेआम बिक रहा है जहरीला दूध। चिल्लर प्लांट से लेकर साधारण डेयरियों के व्यापारी भी शामिल हैं इसमें, इसलिए यदि आप वीडियो देख रहे हैं तो थोड़ा सावधानी से दूध खरीदें। दोस्तों मुरैना के कैलारस में चिल्लर प्लांट से लेकर साधारण डेयरियों में जहरीला मिलावटी दूध बेचा जा रहा है। इस दूध की क्रीम निकालकर पहले सेपरेटा दूध बनाया जाता है, फिर इसमें आरएम केमिकल, रिफाइंड या ग्लूकोज, माल्टोन पाउडर, यहाँ तक कि इसमें डिटर्जेंट भी मिलाया जाता है। आरएम केमिकल खुलेआम दुकानों पर मिल रहा है, जिसे कोई भी आसानी से खरीद सकता है। दोस्तों इस मिलावटी दुनिया में अपने आप को बचाए रखें, इससे बचने का एक ही उपाय, यदि आपको शक है तो दूध पीना ही बंद कर दें। दोस्तों कांग्रेस की भारत जोड़ो पदयात्रा में मध्य प्रदेश की 2 महिलाओं समेत 7 नेता शामिल हैं। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी कन्याकुमारी से कश्मीर तक 35,000 किलोमीटर भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। इसमें मध्य प्रदेश की 2 महिलाएं समेत 7 नेता उनके साथ शामिल हैं। दोस्तों शामिल नेताओं ने कहा कि जैसे गांधी जी ने दांडी यात्रा कर देश को आज़ादी दिलाई थी, उसी प्रकार यह यात्रा भी भारत में फैली नफरत को खत्म कर प्यार का वातावरण बनाएगी। वैसे तो इसका पता चुनाव में ही लगेगा कि यात्रा क्या रंग दिखाती है। दोस्तों किसानों के लिए बड़ी खबर है। किसानों को एक छत के नीचे मिलेगी खाद, बीज और मशीनरी, इसके लिए खुल रहे हैं देश में पीएम किसान समृद्धि केंद्र। दोस्तों इन किसान समृद्धि केंद्रों का उद्देश्य है कि किसानों को एक छत के नीचे समस्त प्रकार के कृषि यंत्र, खाद, बीज व दवा सभी एक साथ मिल जाएं, जिससे किसानों को इधर उधर भटकना न पड़े। इस प्रकार से जानकारियाँ थी। यदि आपको जानकारियाँ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। तो मिलते हैं सर इसी प्रकार की खबरों के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।